एबीपीएस न्यूज गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हसायन में स्थित अमोसी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 18 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 39 किलोमीटर है। लगभग 1100 की आबादी व 875 वोटरों द्वारा रामकिशोर को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 224 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 49 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 16 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 28 विद्युत पोल, 3 विद्युत ट्रांसफार्मर व 1 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसीटाइज रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21 इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसीटाइज रोड, खडंजे, शमशान घाट, बारात घर, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। सर नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान रामकिशोर, ग्राम पंचायत अमोसी, हसायन ब्लॉक है, जिला हाथरस है और प्रधान पद पर अब तैनात है और सरकार से हमारी बहुत कुछ उम्मीद है और अपना कार्य भी हमने कराया है। पंचायत में जो इंटरलॉकिंग कराई है हमने, 2-4 जो गलियां जितना पैसा आता है उसी के आधार से करा रहे हैं हम, और हमारी अभी इच्छा है सरकार से कि हमारा बजट मिलता रहे तो और अच्छा कार्य करते रहे हम। उसके लिए सरकार से मांग रहेगी, अभी इच्छा रहेगी और हमारे लिए गांव के लिए हमें बहुत कुछ योजना के लिए चाहिए। हमारी विधवा पेंशन है, कुछ अधूरी है उनके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, और वृद्धा पेंशन है उसके भी लिए प्रयास कर रहे हैं, पूरी मांग चल रही है हमारी, आगे के लिए बढ़ा रहे हैं अपना। और हम सरकार से अपेक्षा भी कर रहे हैं कि हमें सब कुछ मिलना चाहिए, आवास भी मिलना चाहिए, आवासहीन भी हैं उसमें सरकार की मांग कर रहे हैं, मांग रहे हैं गरीब परिवारों के लिए आवास बनना चाहिए। आए हैं दो कार अभी कराए हैं इंटरलॉकिंग, उसका नाम भी बोलना है गली, चार गली कराई है, दो अमोसी पंचायत में कराई है और एक हमारा माजरा पड़ता है करमपुर, उसमें भी कार्य कराया है हमने। और अपना आगे के लिए हमारा और बजट आए तो और भी गलियां भी हमारी बहुत कुछ अधूरी पड़ी हैं उनके लिए देख रहे हैं कि बजट हमारा आए उसके लिए आगे प्रारंभ करें। स्कूल की हमें बहुत कुछ खासियत है, हमारा नीचा स्कूल पड़ा हुआ है उसके लिए मट्टी भराव की जरूरत है हमें, और उसमें हमें इंटरलॉक भी कराना चाहते हैं। इतना हमारे पास बजट नहीं है कि हम उसको स्कूल की भी मरम्मत बढ़िया तरह से अच्छी तरीका से बना दें। हमारे गांव की जो रास्ता होती है वो रास्ता अड़चन पड़ी हुई है, उसमें बहुत कुछ आगे के लिए नहीं, खेतों पे जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है सारी। आम रास्ता है, आम रास्ता में शादी वादी होती है, जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें भी अड़चन पड़ती है। बढ़िया तरह से चमन कर सकते हैं तो इतनी अपेक्षा नहीं है सरकार से कि सरकार इतना जो कह देती है उतना नहीं दे पाती है।